नाइन्थ बीपीएससी देने वाले बच्चों के लिए मेरा एक क्विक रिव्यू है। प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग अलग अलग धीरे धीरे देंगे। हम लोग उस हैबिट में नहीं है कि प्रश्न एग्जामिनेशन 2 बजे खत्म हो और फिर हम लोग मैराथन विश्लेषण पर लग जाए। हम लोग का जो भी विश्लेषण है उसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, हिस्ट्री से 34 क्वेश्चन है, 34 सवाल है। साइंस से 30 सवाल है, पिछली बार 27 सवाल था। करंट अफेयर्स ने 30 सवाल रखा है। ज्योग्राफी से बढ़ा है सवाल, 22 सवाल है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंडियन इकोनॉमी में घटा है, 15 सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी घटा है, 8 सवाल है। और आईक्यू से 10 सवाल एज यूजुअल है। और इसमें सब बिहार से मिले जुले सवाल हिस्ट्री में भी है, करंट में भी है, ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमी में भी है। और जिस तरह से बीपीएससी ने इस बार सवाल पूछा है, हमारा पुनः यही कहना है कि पहला नंबर पॉइंट की 90 से 95 के बीच में ही कट ऑफ मार्क पुनः रहेगा। बीपीएससी की प्रशंसा इस मामले में होनी चाहिए कि उन लोगों ने सवालों के स्टैंडर्ड को बनाए रखा है और वैसे लोगों को एलिमिनेट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं जो वन लाइनर पढ़ के, यूट्यूब पर पढ़ के या बिना गंभीर अध्ययन किए ही पीटी तो पास कर जाते थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में जो 30-40% लोग एग्जाम नहीं देते हैं वो वही लोग हैं जो वन लाइनर पढ़ के पास करके किसी तरह पीटी रट्टा मार के और मेंस के लायक उनकी तैयारी नहीं है और मेंस से वो ऑप्ट आउट कर जाते हैं। लेकिन अब लगातार ऐसा लग रहा है कि वैसे लोगों का के लिए बीपीएससी ने रास्ता बंद कर दिया है। और जिस तरह से पिछली बार भी लोग पास कर रहे हैं, जिस क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जो गंभीर अध्ययन करेगा, सतत अध्ययन करेगा और लगातार अध्ययन करेगा, स्तरीय किताबों का अध्ययन करेगा, पत्र पत्रिकाएं स्तरीय अखबार को अच्छी तरह से पढ़ेगा, वही बच्चा अब बीपीएससी भी पास करेगा। मेरे जैसे आदमी जो हमेशा इनका नहीं प्रशंसा करता हूं, लेकिन उनके सवाल के पूछे जाने के स्टैंडर्ड को मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि इन लोगों ने एक स्तर बनाया है और गला फार कर, मदारियों की तरह चिल्ला कर और लोगों को दिग्भ्रमित करके फोटो दिखाकर और बैच को एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ 6 महीने में बैच, 4 महीने में बैच कैसे नहीं खत्म हो गया। मेरे प्रिय छात्रों, आप इस बात को गंभीरता पूर्वक समझिए, हम लोग 32 सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कोर्स की तैयारी को सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सिलेबस दिल्ली में 3 महीने में भी खत्म हो जाता है, लेकिन इम्तहान में सवाल लड़े, जिस जो इम्तहान जैसा होता है उस हिसाब से आपका सवाल लड़े, उसको पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में टाइम लगता है। इसलिए उन मान्यताओं से या उस सोच से बाहर निकलिए कि आप जल्दीबाजी में कोई सिलेबस पूरा करके लगता है कि मेरा कमीशन का इम्तहान हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और लगातार बीपीएससी ने यूपीएससी जो दिखा ही रहा है कि यूपीएससी मेंस में भले आप प्रेडिक्टेड लाइन पर जा सकते हैं, पीटी कोई नहीं कह सकता है कि पीटी हम इस बार पास कर ही जाएंगे। कोई बच्चा 2 बार पीटी फेल करता है, 3री बार में टॉप कर जाता है। तो पीटी की परीक्षा का सिलेबस अनप्रडिक्टेबल सिलेबस है, पृथ्वी के अंदर से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक है। इसलिए सतत पढ़िए, अच्छे स्तरीय पढ़ाई कीजिए, अपने कंसेप्ट को बनाइए और हर विषय पर आँख कान नाक खोल कर रखिए, तभी आप जो पास करने लायक है प्रीलिम्स उस हिसाब से पढ़ पाएंगे। और प्रीलिम्स पास करेंगे तब ना मेंस देंगे, और मेंस में भी अब जो पास कर रहे हैं बच्चे वो यूपीएससी के स्तर के आ रहे हैं। इसलिए अपनी तैयारी पुनः कहूँगा कि बाजार के दुकानों के चौराहों पर बिकने वाले गेस पेपर टाइप के किताब अब आपको मेंस की परीक्षा भी नहीं पास कर पाएंगे। आप स्तरीय पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, स्तरीय पत्रिकाओं को पढ़िए, अखबारों को पढ़िए। आज के लिए इतना ही, हम कल और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।